नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो करियर में ये स्टोरी है एक मोटिवेशन की स्टोरी जो आपके लिए बड़े काम आ सकती है। सच्ची कहानी का हमारा नायक सच्चा है। जब चाय लेकर लौटा पुलिस वाला तो साहब ने एसडीएम सर कह करके किया उसको सैल्यूट। जी हाँ, ऐसा हुआ है। ये जिंदगी का एक ऐसा लम्हा था जो इस पुलिस वाले के लिए कभी न भूल पाने वाला एक यादगार लम्हा बन गया है। साहब के लिए चाय लेने गए थे और जब वापस आए तो साहब ने सैल्यूट किया और कहा, एसडीएम साहब स्वागत है आपका। ये सच्ची कहानी है। हमारी इस कहानी के नायक है श्याम बाबू। मेहनत करते रहिए, आप भी मेहनत करने से ही किस्मत का दरवाज़ा खुलता है। किस्मत पर यकीन रखिए और मेहनत में कोई कमी कभी मत आने दीजिए। ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी आपको अपने देश में भी और देश के बाहर भी और आपके अड़ोस पड़ोस में भी, जहां कामयाबी के लिए किसी इंसान ने हार नहीं मानी तो कामयाबी फिर उसके बाद खुद उसके पास दौड़ कर आई। जी हाँ, हार मत मानिए, चलना जारी रखिए, जीत आपकी हो जाएगी। हर तरह की परिस्थिति में आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और युवा पीढ़ी अगर है, यानी कि अगर आप जवान हैं, तो याद रखिए सारे सपने आपके सच हो सकते हैं। आज देश में बेरोजगारी और सरकारी नौकरी के लिए लोग ऐसे भाग रहे जैसे कोई मेडल मिलने वाला है। सरकारी नौकरी के बिना भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन वास्तव में अगर आप सरकारी नौकरी चाहते तो प्रतियोगी परीक्षा में बैठिए और थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको मिल जाएगी। 100 पदों के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन जो जिनको नौकरी मिलती वो भी तो इंसान ही होते हैं ना। रेलवे ग्रुप डी NTPC में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। और जिस व्यक्ति की हम आपको बात बताने जा रहे हैं, उन्होंने सिपाही की नौकरी करने के साथ अपनी तैयारी जारी रखी और मानेंगे आप 14 साल बाद उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। हमारे इस कहानी के नायक का नाम है श्याम बाबू। बलिया के छोटे से गांव इब्राहिमाबाद के रहने वाले हैं श्याम बाबू। इनकी उम्र इस समय 36 साल की है। पारिवारिक हालत इनकी शुरुआत से काफ़ी बुरी थी। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। पढ़ाई करते समय बहुत समस्याएं आ रही थी। इतनी परेशानी आई आर्थिक रूप से कि वो बहनों की पढ़ाई ही उनकी बहनों की पढ़ाई नहीं हो पाई। श्याम बाबू की पढ़ाई भी कायदे से कहा जाए तो नहीं हो पाई। 10वीं से ही सरकारी नौकरी के उन्होंने फॉर्म भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, पढ़ाई का मुश्किल लग रहा है, कोई नौकरी मिल जाए तो फिर पढ़ाई भी जारी रखूँगा। और बात सही है, मेहनत उनकी रंग लाई। उनको UP पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई श्याम बाबू को। सिपाही की नौकरी करते हुए श्याम बाबू ने अपनी पढ़ाई प्राइवेटली जारी रखी। 2010 से, यानी कि आज से 12 साल पहले, उनको UPSC परीक्षा को पास करने की धुन सवार हो गई। उन्होंने कहा, मुझे UPSC पास करनी। PSC समझते हैं ना, डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनते हैं, GSDM वगैरह बनते हैं, जी वही वाली हर स्टेट में होती है। श्याम बाबू ने 2016 की UPSC परीक्षा में 52वीं रैंक 52nd रैंक हासिल की। उन्हें इस प्रतियोगी परीक्षा में SDM की रैंक मिली है। कहानी क्या हुई, 12वीं पास जब पुलिस कांस्टेबल बन गए हमारे श्याम बाबू, 14 साल तक पुलिस की नौकरी कर रहे थे। श्याम बाबू को जब Deputy SP ने एक दिन चाय लाने के लिए भेजा तो दुकान पर श्याम बाबू के फ़ोन पर उनका रिजल्ट का संदेश आया। उसमें उन्होंने देखा कि UPSC फाइनल मेरिट में उनका स्थान बन चुका है। मेरिट में आए थे। श्याम बाबू ने DSP साहब को चाय के साथ ये खबर सुनाई तो DSP साहब तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने श्याम बाबू को सैल्यूट किया और कहा, आपका स्वागत है SDM साहब। श्याम बाबू को उन्होंने अपने हाथ से चाय पिलाई, जो चाय लेकर श्याम बाबू अपने बॉस के लिए ले आए थे ना, बॉस ने उनको पिलाई। पुलिस में जॉब करते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी श्याम बाबू ने और 6 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो SDM बन ही गए। लेकिन ये जो कहानी उनके साथ हुई जिंदगी में, यादगार उनके लिए भी बन गई और उनके साहब के लिए भी बन गई और हमारे लिए भी यादगार बन गई जो हम आपको सुना रहे हैं। हो सकता है आपके लिए भी यादगार बन जाए और आप भी ऐसा कुछ करिश्मा करके दिखा दे। आप कर सकते हैं, हमेशा हम कहेंगे यू कैन डू इट। चलते हैं, हमेशा की तरह कहेंगे, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।